हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर स्वागत करता हूँ आपके आपके चैनल आरिफन क्लासेस में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे, आज का हम लोग का टॉपिक होगा भारतीय भवन मैथ क्लास टेंथ चैप्टर वन प्रश्नावली वन बी का एग्जाम्पल नंबर फोर। ये एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे, है ना। तो और बहुत आसान एग्जाम्पल है और देखिए हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए करते हैं। तो ये कह रहा है ना, इसमें क्या कर रहा है कि इसमें 6n के कह रहा है जांचे कि क्या 6n के अंत में शून्य आ सकता है, जहां जहां n एक प्राकृत संख्या है। मैं तो प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया था कि प्राकृत संख्या का मतलब होता है जो संख्या एक से शुरू होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच, ये सब जितनी संख्या आती है ना सब प्राकृत संख्या है। लेकिन जीरो जो है ना ये प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सिक्स का पावर क्या कर रहा है, सिक्स का पावर एन हो तो क्या कोई संख्या जीरो पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले ये देखिएगा, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जीरो पे यानी कि शून्य पे, शून्य पर समाप्त, क्या समाप्त होने के लिए, कैसे है होने के लिए ना, आपको आपके जो फैक्टर है यानी गुणनखंड में, गुणनखंड में दो और पाँच का होना क्या है ज़रूरी है। अगर किसी भी संख्या का फैक्टर यानी गुणनखंड तोड़ने पे उसमें अगर फैक्टर में दो या पाँच या दो पाँच दोनों नहीं है तो क्या है वो गुणनखंड जीरो पर समाप्त हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं, मैं आपको बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है सिक्स एन, जैसे एक चीज़ और ले लेते हैं, अगर मान लो तीन गुने पाँच करते तो बताओ वो पंद्रह हुआ ना, जीरो पर कहाँ समाप्त हुआ। अगर मान लो चार पचे बीस का हो गया, चार पचे बीस तो सर हो गया जीरो पर समाप्त, यहाँ पर दो तो नहीं है लेकिन क्या बताओ ये दो का फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब कहोगे सर छः पाँच तो पचा पच्चीस, ठीक है, तो पच्चीस हो गया तो ये पच्चीस तो जीरो पर समाप्त नहीं हुआ, चलो ठीक है। देखो कहोगे छः पचे तीस, ठीक है, छः पचे तीस, देखो छः में भी तो दो है, तो किसी भी संख्या के फैक्टर में दो और पाँच होना एकदम मस्ट है। दो और पाँच नहीं होगा तो चाहे स्क्वायर में कुछ भी हो वो कभी किसी संख्या पर क्या होगा जीरो समाप्त नहीं हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर इसको लिखें हम लोग, ठीक है, आप लिखा कि सिक्स का पावर एन, ठीक है, तो मैं इसको अगर तोड़ दूँ तो देखिएगा दो और तीन में टूटेगा, दो और तीन का पावर क्या दिया है एन दिया है। अब देखिएगा दो और तीन है तो हमको क्या चाहिए था, दो और पाँच होना चाहिए था, तो ये जीरो पर समाप्त हो ही नहीं सकती है। अब ये एन क्या है, एन इसकी घात है। अब घात का मतलब घात कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए ये दो गुने तीन का घात एक रख देंगे तो क्या होगा दो गुने तीन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सेकेंड के स्टेप में बात करते हैं इसका, दो गुने तीन का घात एन दिया है, एन का घात एन दिया है तो एन पर हम कुछ भी रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, दो तीन चार पाँच कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम दो लिख देते हैं, मान लेते हैं एन का पावर क्या लिख दिए, एन के जगह पर हमने दो लिख दिया, तो पहले ये एक बार था ना, पहले ये एक बार था, अब कितना बार आ जाएगा, दो बार आ जाएगा। चलिए एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स सॉरी दो गुने क्या दिया है, दो गुने तीन दिया है, ठीक है, दो गुने तीन दिया है, दो का पावर तीन दे दिया, तो मान लीजिए तो दो गुने तीन एक बार था, अब फिर हो जाएगा दो गुने तीन हो जाएगा, फिर दो गुने तीन हो जाएगा, बात तो वहीं आ रही है ना। यानी कि हर बार में कि जब मान लीजिए कि किसी भी संख्या को अगर आपको मिलेगा तो पहले उसको क्या कीजिएगा, तोड़िएगा, तोड़ने में अगर दो और पाँच आपको मिल जाए तो लिखिएगा कि हाँ ये जीरो पर समाप्त हो सकती है, और दो और पाँच के अलावा कोई भी संख्या आपको मिलती है तो कहिएगा वो जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एग्जाम्पल, इसको लिख देंगे नहीं यह संख्या है ना जीरो पर यानी कि शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य यानी कि जीरो पर समाप्त होने के लिए
होने के लिए दो और पाँच का होना जरूरी है, ठीक है। बस दो और पाँच, ये भी आप चाहे तो नहीं, यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के क्या शून्य पर समाप्त होने के लिए दो और पाँच का होना जरूरी है, जो इस संख्या में नहीं है, ठीक है। तो बहुत ये आपको जैसे मान लीजिए चार दे देगा, सपोज दे दीजिए, मान लीजिए अगर आपके पास एक चार दे दिया, चार का पावर एन दे दिया, कह रहा है कि बताओ ये जीरो पर समाप्त होगा। देखो बाबू, चार को पहले तोड़ दो तो दो गुने दो मिल जाएगा, दो का पावर तीन एन हो गया। तो अब बताओ दो का पावर एन की जगह पर तुम कुछ भी लिख दो तो दो गुने दो तो आएगा दो बार। अगर मान लो यहाँ पे एक लिखे तो दो गुने दो एक आया। फिर अगर इसका पावर हम अगर यहाँ पे दो लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, दो गुने दो गुने दो गुने, अरे दो ही तो आएगा ना। देखो तो इसको मान लो कि यहाँ पे चार का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो तो चार चौका सोलह, उसी तरह दो चार दुना आठ दुना सोलह, बात है क्यों हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, दो तो मिल गया था बट पाँच की ज़रूरत थी, यहाँ पे पाँच अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये जीरो पर भी समाप्त नहीं हो सकती। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में पूछा गया है, मैं आपको इसलिए बता दिया हूँ, ठीक है। और ये आपका भारतीय भवन का क्वेश्चन है। आई होप कि आपको बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको बातें अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।